नमस्कार दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो आंसर्स है आपको बहुत ही जो सॉल्व करोगे उसमें ट्रिक है, सॉल्यूशन आप कैसे करते हो उस चीज में आपका ट्रिक है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके वीडियो को ट्राई करो। देखो बोल रहा है क्या, बहुत हल्ला हो रहा है, बोल रहा है क्या, द डीलर सेल्स एन आर्टिकल अलाउिंग 15% डिस्काउंट। सपोज कि एक डीलर है, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं, मार्क प्राइस, उसने अपने प्राइस किसी सामान का दाम 100 रुपये रखा, ठीक है, वो 15% डिस्काउंट देता है उस पर, 85, करेक्ट है, एंड जो 85 है उस पर भी वो 12% कमा रहा है, यानी कि जो 85 है इस पर भी वो 12% कमा रहा है, यानी कि इसका वैल्यू 112 हो जा रहा है 100 से, तो 12% कमा रहा है तो 100 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से आप देखोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना, पॉइंट में आएगा, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हटाओ और इसको हम काम करते हैं कि इसको हटा के इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 20 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो कि अब चलो इस 17 का वैल्यू 112, अभी भी देखोगे तो पॉइंट में आएगा, मैं इसको बता देता हूँ और इजी कर देता हूँ, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर 20 मार्क प्राइस है, 17 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्यों ना इसमें भी हम 112 इंटू कर दें, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है, और इसमें भी 112 इंटू कर दो, ठीक है, इसमें भी 112 इंटू कर दो, इसमें भी 112, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आसान बन जाएगा, क्योंकि अब जब सेलिंग प्राइस ही इतना होगा, इसमें 112 का फैक्टर होगा, तो ये जी कट जाएगा और हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 1700 रुपया। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, देखो मार्क कितना किया था, 24220, मार्क कितना में किया था इसको इंटू कर लेना, इतना में बेचा था और इतना उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था। अब क्या बोल रहा है कि 10%, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय 10%, 10% से आर्टिकल का कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, 0781, पहले 1700 का खरीदता था वो, अब 1870 का खरीद रहा, ठीक है, कोई भी सामान पहले 1700 का, अब 1800, लेकिन अब क्या बोल रहा है वो, ये सब हटा दे रहा हूँ मैं, अब बोल रहा है ऐसा कुछ कि खरीद रहा है जितना में भी, लेकिन जो प्रॉफिट होना चाहिए वो 12% ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट अलाउ करेगा वो, तो हमें पता है कि अब वो 1870 में खरीद रहा है, तो अगर वो 1870 में खरीद रहा है तो उस पर 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि सेलिंग प्राइस 112 हो जाएगा 100 से, अगर इसका वैल्यू 100 है तो 112 हो जाएगा, क्योंकि 12% प्रॉफिट बेच रहा है, और ये इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि कितना था 24, आई थिंक इसका दो मल्टीपल था, 4220, हाँ इतना था मार्क प्राइस, इतना था मार्क प्राइस, अगर मान लो कि 100 के बराबर है तो हमें कितना का डिस्काउंट देना है, यानी कि 100 माइनस एक्स कितना करना है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालना बता दे रहा हूँ, जैसे कि इतना में मान लो कि हम 10% का एक्स का हम 10% माने, यानी कि इसका वैल्यू 90 हो जाएगा, और ये जो भी आए इसके बराबर होना चाहिए, समझे ना, ये हमारा क्या है 12% प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बराबर होना चाहिए डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि इसके वजह सेलिंग प्राइस के बराबर होना चाहिए डिस्काउंट देने के बाद, तभी ना हम 12% कमाएंगे, हम पहले ही बता दिए कि हमें इतना ही रुपया लेना है, अब आप वो डिस्काउंट दे के उतना रुपया के बराबर लाओ, तो 2440 रुपया है, ये 100 के बराबर है, तो हमें कितना कम करना है, यानी कि 100 में से कितना माइनस करना है, यहाँ पे 10 कर दोगे तो इसका वैल्यू 90 हो जाएगा, 20 कर दोगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि 100 का वैल्यू 80 पे बराबर हो जाएगा, पर हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, यहाँ से 20 कटा सकते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1870, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 20x, ठीक है, -20 इधर जाएगा तो ये 30, 900 और 130 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20x, तो ये हो जाएगा कट जाएगा और ये हो जाएगा 6.5%, तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ये जल्दीबाजी में कुछ दिखेगा नहीं आप लोग को, ये सॉल्व कर लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा करने में, अगर ये ट्रिक वो ट्रिक जो मैं बीच में बताया वो नहीं यूज़ करोगे तो।